1983 में जैकी श्रॉफ की पहली मूवी आई हीरो, और दोस्तों ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। 1984 में जग्गू दादा की दूसरी मूवी आई अंदर बाहर, और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। 1985 में इनकी तीसरी मूवी आई युद्ध, और मेरे दोस्त ये मूवी भी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई तेरी मेहरबानियां, और ये मूवी सुपरहिट रही। इसके बाद जैकी श्रॉफ की मूवी आई सिवा का इंसाफ, और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल जग्गू दादा की मूवी आई आज का दौर, और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई पैसा ये पैसा, और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई जानू, और भाई साहब ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसी साल जग्गू दादा की मूवी आई मेरा जवाब, और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। 1986 में जग्गू दादा की मूवी आई पाले खान, और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई मेरा धर्म, और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद जग्गू दादा की मूवी आई हाथों की लकीर, और दोस्त ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई दहलीज, और जनाब ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसके बाद जग्गू दादा की मूवी आई अल्लाह रखा, और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई करम, और भाई साहब ये मूवी सुपरहिट रही। 1987 में जग्गू दादा की मूवी आई मर्द की जवान, और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद जग्गू दादा की मूवी आई जवाब हम देंगे, और भाई साहब ये मूवी सेमी हिट रही। इसी साल जग्गू दादा की मूवी आई दिल जला, और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई सड़क छाप, और ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद जग्गू दादा की मूवी आई कास, और भाई साहब ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद जग्गू दादा की मूवी आई कुदरत का कानून, और जनाब ये मूवी हिट रही। इसके बाद जैकी श्रॉफ की मूवी आई उत्तर दक्षिण, और भाई साहब ये मूवी भी फ्लॉप रही। 1988 में जग्गू दादा की मूवी आई फलक, और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई आखिरी अदालत, और ये मूवी हिट रही। 1979 में जग्गू दादा की मूवी आई सच्चे का बोलबाला, और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद जग्गू दादा की मूवी आई राम लखन, और भाई साहब ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। वैसे जग्गू दादा की ये मूवी काफी बढ़िया मूवी थी। इसके बाद इनकी मूवी आई परिंदा, और भाई साहब ये मूवी हिट रही। इसके बाद जग्गू दादा की मूवी आई मैं तेरा दुश्मन, और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद जैकी श्रॉफ की मूवी आई काला बाजार, और भाई साहब ये मूवी भी एवरेज रही। इसके बाद जग्गू दादा की मूवी आई हम भी इंसान हैं, और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई त्रिदेव, और ये मूवी सुपरहिट रही। वैसे जग्गू दादा की ये मूवी भी काफी बढ़िया मूवी थी। इसके बाद इनकी मूवी आई सिक्का, और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद जैकी श्रॉफ की मूवी आई वर्दी, और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। 1990 में जग्गू दादा की मूवी आई पत्थर के इंसान, और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई जीने दो, और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल जग्गू दादा की मूवी आई बाप नंबरी बेटा दस नंबरी, और भाई साहब ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई दूध का कर्ज, और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। वैसे ये मूवी काफी बढ़िया मूवी थी। इसके बाद इनकी मूवी आई आजाद देश के गुलाम, और भाई साहब ये मूवी भी फ्लॉप रही। 1991 में जग्गू दादा की मूवी आई हफ्ता बंद, और भाई साहब ये मूवी भी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई इज्जत, और ये मूवी सेमी हिट रही। इसके बाद जग्गू दादा की मूवी आई सौ दिन, और भाई साहब ये मूवी सेमी हिट रही। इसके बाद जैकी श्रॉफ की मूवी आई सौदागर, और भाई साहब ये मूवी सुपर हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई अकेला, और ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद जग्गू दादा की मूवी आई लक्ष्मण रेखा, और ये मूवी फ्लॉप रही। 1992 में जग्गू दादा की मूवी आई संगीत, और भाई साहब ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई प्रेम दीवाने, और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद जग्गू दादा की मूवी आई लाड साहब, और ये मूवी भी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई दिल ही तो है, और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद जग्गू दादा की मूवी आई अंगार, और भाई साहब ये मूवी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई पुलिस अफसर, और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद जग्गू दादा की मूवी आई सपने साजन के, और ये मूवी फ्लॉप रही। 1993 में जग्गू दादा की मूवी आई किंग अंकल, और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई अंतिम न्याय, और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद जग्गू दादा की मूवी आई खन्नायक, और भाई साहब ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। वैसे ये मूवी भी काफी बढ़िया थी। इसके बाद जग्गू दादा की मूवी आई हस्ती, और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई आईना, और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद जग्गू दादा की मूवी आई रूप की रानी चोरों का राजा, और ये मूवी डिजास्टर का राजा। इसके बाद जग्गू दादा की मूवी आई गर्दिश, और ये मूवी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई शतरंज, और भाई साहब ये मूवी भी एवरेज रही। 1994 में जग्गू दादा की मूवी आई चौराहा, और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई 1942 ए लव स्टोरी, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई स्टंटमैन, और ये मूवी फ्लॉप रही। 1995 में इनकी मूवी आई त्रिमूर्ति, और दोस्तों ये मूवी
मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद जग्गू दादा की मूवी आई मिलन और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई दुश्मनी और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद जग्गू दादा की मूवी आई गॉड एंड गन और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई रंगीला और भाई साहब ये मूवी भी ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद जग्गू दादा की मूवी आई रामशस्त्र और भाई साहब ये मूवी भी फ्लॉप रही। 1996 में जग्गू दादा की मूवी आई तलाशी और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल जग्गू दादा की मूवी आई रिटर्न ऑफ जेल थीफ और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई बंदिश और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद जग्गू दादा की मूवी आई अग्निसाक्षी और भाई साहब ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। 1997 में जैकी श्रॉफ की मूवी आई विश्व विधाता और ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई शेयर बाजार और ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई सफर और ये मूवी सेमी हिट रही। इसके बाद जग्गू दादा की मूवी आई बॉर्डर और दोस्तों ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई आर या पार और ये मूवी डिजास्टर रही। 1998 में जग्गू दादा की मूवी आई तिरछी टोपी वाले। गाइस इस मूवी में इन्होंने स्पेशल एवरेज दिए थे। इसके बाद इनकी मूवी आई हफ्ता वसूली और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद जग्गू दादा की मूवी आई बदमाश और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई जाने जिगर और भाई साहब ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसके बाद जग्गू दादा की मूवी आई 2001 और भाई साहब ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई उस्ताजों के उस्ताज और भाई साहब ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई युग पुरुष और ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसके बाद जग्गू दादा की मूवी आई कभी ना कभी और ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई यमराज और गाइस ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद जग्गू दादा की मूवी आई बंधन और ये मूवी हिट रही। 1999 में जैकी श्रॉफ की मूवी आई सिर्फ तुम। गाइस इस मूवी में भी इन्होंने स्पेशल एवरेज दिए थे। इसी साल जग्गू दादा की मूवी आई लावारिस और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई कारतूस और ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद जग्गू दादा की मूवी आई फूल और आग और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई गंगा की कसम और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई होते होते प्यार हो गया और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई कोहराम और दोस्तों इस मूवी में भी इन्होंने स्पेशल एवरेज दिए थे। इसके बाद जग्गू दादा की मूवी आई आरजू और भाई साहब ये मूवी डिजास्टर रही। साल 2000 में जैकी श्रॉफ की मूवी आई गैंग और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई जंग और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई रिफ्यूजी और ये मूवी भी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई मिशन कश्मीर और ये मूवी भी एवरेज रही। इसके बाद जग्गू दादा की मूवी आई कहीं प्यार ना हो जाए और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। 2001 में इनकी मूवी आई हद और भाई साहब ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई फर्ज और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद जग्गू दादा की मूवी आई सेंसर और भाई साहब ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई ग्रहण और ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई 1-2 का 4 और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई अलबेला और ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसके बाद जैकी श्रॉफ की मूवी आई यादें और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई बस इतना सा ख्वाब है और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई लज्जा और ये मूवी फ्लॉप रही। 2002 में जैकी श्रॉफ की मूवी आई मुलाकात और भाई साहब ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई पिता और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद जग्गू दादा की मूवी आई क्या यही प्यार है और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई देवदास और ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई अग्निवर्षा और ये मूवी डिजास्टर रही। 2003 में इनकी मूवी आई बाज और ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसी साल जग्गू दादा की मूवी आई 1 और 1 11 और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद जैकी श्रॉफ की मूवी आई बम और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई 3 दीवारें और भाई साहब ये मूवी डिजास्टर रही। 2004 में जैकी श्रॉफ की मूवी आई आन और ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई दोबारा और ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई हलचल और ये मूवी हिट रही। वैसे ये मूवी भी काफी बढ़िया मूवी थी। 2005 में जग्गू दादा की मूवी आई सुख और ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई क्योंकि और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। 2006 में जग्गू दादा की मूवी आई विद्यार्थी और ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसके बाद जैकी श्रॉफ की मूवी आई वी आर फ्रेंड्स और ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई नक्शा और ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसके बाद जैकी श्रॉफ की मूवी आई दिल लेके देखो और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई भूत अंकल और ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई अपना सपना मनी मनी और भाई साहब ये मूवी सेमी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई भागम भाग और ये मूवी हिट रही। 2007 में जैकी श्रॉफ की मूवी आई एकलव
भव्य और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई और पप्पू पास हो गया और ये मूवी डिजास्टर रही। लेकिन गाइज मेरा पप्पू मामा फेल हो गया। इसके बाद इनकी मूवी आई फुल एंड फाइनल और ये मूवी एवरेज रही। 2008 में जैकी श्रॉफ की मूवी आई हल्ला बोल, दोस्तों इस मूवी में इन्होंने स्पेशल एवरेज दिए थे। इसके बाद इनकी मूवी आई धूम धमाका, इस मूवी में भी इन्होंने स्पेशल एवरेज दिए थे। इसके बाद इनकी मूवी आई हमसे है जहां और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक और ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई मुखबिर और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद जैकी श्रॉफ की मूवी आई हरी पुत्र और ये मूवी भी डिजास्टर रही। 2009 में इनकी मूवी आई राज और ये मूवी सेमी हिट रही। इसी साल जैकी श्रॉफ की मूवी आई एक द पावर ऑफ वन और ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई अनुभव और ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसके बाद जैकी श्रॉफ की मूवी आई क्रिकेट और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई किसान और ये मूवी भी डिजास्टर रही। 2010 में जैकी श्रॉफ की मूवी आई वीर और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई तीन पत्ती और ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई मूसा और ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई एक सेकेंड और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद जैकी श्रॉफ की मूवी आई मालिक एक और ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई भूत एंड फ्रेंड्स और ये मूवी फ्लॉप रही। 2011 में इनकी मूवी आई चार्ज शीट और ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसके बाद जैकी श्रॉफ की मूवी आई श्रद्धा और ये मूवी फ्लॉप रही। 2012 में इनकी मूवी आई मैरिड टू अमेरिका और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद जैकी श्रॉफ की मूवी आई दाल में कुछ काला है और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद जैकी श्रॉफ की मूवी आई लाइफ की तो लग गई और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई लाइफ इज गुड और भाई साहब ये मूवी भी डिजास्टर रही। 2013 में जैकी श्रॉफ की मूवी आई औरंगजेब और भाई साहब ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई धूम 3 और दोस्तों ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई सुपर मॉडल और ये मूवी हिट रही। 2014 में जैकी श्रॉफ की मूवी आई गैंग ऑफ गैस्ट और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई हैप्पी न्यू ईयर और ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। 2015 में जैकी श्रॉफ की मूवी आई ब्रदर्स और ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई चेहरे और भाई साहब ये मूवी भी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई जज्बा और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद जैकी श्रॉफ की मूवी आई डर्टी पॉलिटिक्स और ये मूवी फ्लॉप रही। 2016 में इनकी मूवी आई हाउसफुल 3 और ये मूवी सुपर हिट रही। 2017 में जैकी श्रॉफ की मूवी आई सरकार 3 और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। 2018 में इनकी मूवी आई फेमस और ये मूवी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई पलटन और भाई साहब ये मूवी डिजास्टर रही। 2019 में इनकी मूवी आई रोमियो अकबर और ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई भारत और भाई साहब ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल जैकी श्रॉफ की मूवी आई प्रस्थानम और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। 2020 में जैकी श्रॉफ की मूवी आई बागी 3 और ये मूवी हिट रही। 2021 में इनकी मूवी आई राधे और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद जैकी श्रॉफ की मूवी आई सूर्यवंशी और भाई साहब ये मूवी सुपर हिट रही। तो दोस्तों ये था जैकी श्रॉफ का फिल्मी सफर। आपने इनकी कौन सी फिल्में देखी है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।